एक ऐसी गंदी बात उन्होंने राजनीति तौर पर कर दी कि मैं भागलपुर गया था, हमारे बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री आलोक मेहता जी ने, उन्होंने कह दिया कि हम लोग घंटी बजाते थे और अंग्रेजों का हम लोग दलाली करते थे, कि आजादी के बाद 75 वर्ष हुए होंगे किसी ने ऊंची जाति के विरुद्ध में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं किया। मैं इसकी घोर आपत्ति करता हूं, तमाम भाइयों से मन से मैं इसकी निंदा करता हूं कि आलोक मेहता माफी मांगे या नहीं तो बिहार सरकार को उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुमार जी ने हम लोगों की मांग को पूरा करने का काम किया है, हम लोग पूरी कमेटी के तरफ से उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों, आप जानते हैं कि राजनीति तौर पर जो आज के दिनों में माहौल चल रहा है आप उससे अवगत है। अभी मैं कुछ दिन पहले, भाइयों, मैं गुजरात गया था, गुजरात में सहकारिता का एक सम्मेलन था। मैंने उस सम्मेलन में लोगों से पूछा, विधानसभा का चुनाव चल रहा था, मैंने पूछा कि भाइयों यहाँ पर लोगों का क्या हाल है, क्या होगा। बोला कि भाई साहब यहाँ का हाल बहुत बुरा है, लेकिन जो सरकार है वही रहेगी। मैंने कहा कि भाइयों इससे क्या क्या मतलब होता है। बोला कि भाई इस देश में हमारे राज्य का आदमी प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा विकास अगर किसी देश में हुआ है राज्यों का तो वह गुजरात का हुआ है। भाइयों 2024 का चुनाव आने वाला है, हम लोगों के समाज की, महाराणा प्रताप के चाहने वाले लोगों की बड़ी प्रबल आवश्यकता है, और हम लोग चाहेंगे कि बिहार का आदमी जो हमारा आदर्श, हमारा नेता आदरणीय नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने में हम लोग पूरी मदद से एकता के साथ आगे बढ़े। भाइयों आप जानते हैं अभी जो हालात है उसके तहत जो महंगाई का मार है, जो लोगों का है, जो मध्य वर्ग के ऊपर आज जो हमला भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हमारा नेता जो आप जानते हैं कि 2005 से लेकर के बिहार में विकास के लिए जो काम उन्होंने किया है, जो सामाजिक संरचना के लिए उन्होंने काम किया है, सभी जाति सभी धर्मों के साथ आगे बढ़ने का जो काम उन्होंने किया है, अगर ऐसा नेता हमारा देश का प्रधानमंत्री बनता हो तो हम लोगों की बड़ी गर्व की बात होगी, और बिहार आप जानते हैं कहां से कहां चला जाएगा। भाइयों हम लोग के इसी बीच में एक बात, अशोक चौधरी और अन्य भी माननीय मंत्री लोग हैं मंच पर, मैं बताना चाहता हूं कि मैं भागलपुर गया था, हमारे बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री आलोक मेहता जी ने एक ऐसी गंदी बात उन्होंने राजनीति तौर पर कर दी कि आजादी के बाद 75 वर्ष हुए होंगे किसी ने ऊंची जाति के विरुद्ध में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि हम लोग घंटी बजाते थे और अंग्रेजों का हम लोग दलाली करते थे। मैं इसकी घोर आपत्ति करता हूं, तमाम भाइयों से मन से मैं इसकी निंदा करता हूं कि आलोक मेहता माफी मांगे या नहीं तो बिहार सरकार को उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। स्वाभिमान से हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। मैंने कड़ी प्रतिज्ञा की वहां पर भागलपुर में, मैंने इनकी कड़ी घोर निंदा मैंने करने का काम किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर करके इनके ऊपर आपत्ति देने का मैंने काम किया है। भाइयों समय का अभाव है, बहुत सारे लोग हैं इसी मंच से, मैं इस पार्टी में, मैं जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता दल यूनाइटेड से मुझे टिकट दे करके भागलपुर और बांका से एमएलसी बनाने का उन्होंने काम किया है, मैं उनके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। संजय भाई खड़े हैं, अभाव समय का है, मैं इन्हीं बातों के साथ तमाम लोगों का फिर से मैं स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।